यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है, 2 मिनट में धूप, 2 मिनट में बादल। भाई साहब बैटरी जा रही है ना, खतरनाक 10-10% लगातार जा रहा है। पीछे वाले पहाड़ियों में ना अभी स्नोफॉल होना शुरू हो चुका है, देखो यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे भी स्नोफॉल होना शुरू हो चुका है। भाई अंदर जा, चल भीग जाएगा। तो अभी बाहर पे जबरदस्त हवाएं चल रही हैं, हवा चल रही तो फिर यहाँ पर रहने लायक नहीं है। कल की रात ना इतनी ठंड थी, जब मैं सुबह उठा ना तो देखा आपको टेंट में जो पानी था वो आइस बना हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस, एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। सुबह सुबह इन खूबसूरत नज़ारों के साथ सुबह की शुरुआत हो रही है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो और बढ़ते हैं आगे को। आज हमारी कैंपिंग सीरीज का डे 2 है और कल हमने वाटरफॉल के सामने कैंपिंग करी थी, उसके बाद आज हम जाएंगे इस गांव से लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक करके 3500 मीटर की हाइट पे, और जहाँ का टेम्परेचर इस टाइम पे ना माइनस में जाता है। तो हो सकता है कि हमें वहाँ पे लाइव स्नोफॉल भी दिख जाए और साथ ही नज़ारे तो बेहतरीन होंगे ही होंगे। थोड़ा आज टफ रहेगा क्योंकि 7 किलोमीटर एकदम स्टीप चढ़ाई चढ़ के जाना है हमें, के बाद हम पहुँचेंगे 3500 मीटर के एलिवेशन पे और वहाँ पे जो विंटर कैंपिंग होगी ना मज़ा आने वाला है। अभी हम हैं लगभग 3500 मीटर के हाइट पे, आप पीछे देख पा रहे होंगे मेडोज़ दिख रहे हैं। वैसे एक और बात मैं बोल दूं कि अगर आप इस कैंपिंग वीडियो में खाना देखने के लिए आए हैं तो शायद आपको इतना मज़ा नहीं आ पाएगा। अगर आपको लोकेशन देखना है, बड़े बड़े वादियाँ देखनी हैं और रियल कैंपिंग देखनी है तो फिर आप सही वीडियो पाए हैं और आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। तो गाइस आपने लास्ट वीडियो हमारी जहाँ पर आपको बादल दिख रहे ना नीचे वहाँ की देखी होगी। वैसे ये जगह आपको पता होगा, चिपला केदार ट्रैक पे पड़ता है और हम आज, वैसे हम चिपला केदार ट्रैक बहुत बारी दिखा चुके हैं कैंपिंग में, तो हमने सोचा यहाँ से जो आगे का जो रास्ता है, जो ट्रैक है वो दिखाएँ और कैंपिंग करें। तो आज हम जा रहे हैं कैंपिंग के लिए, चले हमारे साथ 2 डॉग भी हैं जो भाई रेस्ट में अभी। और साथ में जो आप डॉग देख पा रहे हैं दो, ये कल हमारे साथ नीचे जंगल साइड में बकरियां हैं उनके जो डॉग थे वो हमारे साथ आ गए। तो आज की कैंपिंग लोकेशन अपनी ये रहेगी, काफ़ी अच्छी जगह है टेंट पिच करने के लिए। भाई इतना चलने में ही थकान फील हो रही है आज तो। थकान क्या भाई, पूरी हड्डियाँ चूर चूर होगी मेरी तो। अभी जैसे ही धूप आई ना गर्मी लग रही है, और कल रात का टेम्परेचर 0 से -1 तक था कल रात में।
ये को दे दिया। एक तेरा, एक मेरा। यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है कि दो मिनट में धूप, दो मिनट में बादल और दो मिनट में ठंड लग रही है और तुरंत ही फिर गर्मी जब धूप लगती है। तो भाई ऐसे कुछ चल रहा है। फिलहाल हम सोच रहे हैं चाय बना लें, आज दिन में चाय बनाएंगे हम। कितने बज रहे हैं अभी? 10-11 बज रहे होंगे ना। तो यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा ठंडा है, तो अभी चाय पीने का मन कर रहा है। ये लगा दे, मैं तो कुछ चेयर लगा लेता हूँ। अरे वो तो ही रह गया ना अभी। यस यस। अरे इसको बहुत गर्मी लग रही शायद। क्यों कालू? ले वड़ा कालू। अभी आप पीछे देखो, बादल आने शुरू हो चुके हैं और दिन में ऐसा होता है कि ना एक बार तो बारिश होती ही है दिन में, और बारिश होती है तो फिर बहुत जबरदस्त होती है यहाँ पे। ये फुरफुरी नगर में चाय बनती है, ये देखो बस। चाय रेडी है अपनी। ये है ब्राउन बिस्कुट बॉर्बन, साथ में बिस्किट भी है, ये भी खा लेते हैं। चाय अच्छी बनी है लेकिन गर्म है बहुत। गर्म है। अच्छा हमारे पास डॉग के लिए भी कुछ है ना। दूसरा कहाँ गया? ले आ। दूसरा कहाँ गया? पीछे हुआ। एक ना बिल्कुल साइलेंट है। हाँ। पता नहीं क्यों, एक तो बड़ा चालाक है ये वाला, पर दूसरा वाला, हाँ ये देखो इसकी स्पीड देखो। ये तू मत खाइयो। हाँ अच्छा, अरे इसको इधर आन दे, वहीं फेंक दे यार। अच्छा इधर अच्छा ले खाब। अरे ले आजा भाई, सब खा लिए इसने। वहाँ से भी वहाँ जहाँ पे मैं कैंपिंग के जाता हूँ ना, हम लोग कुत्ते जरूर आ जाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई। लगता पता नहीं कुछ तो रीजन है इसका भी। हाँ यही है कि ऊपर वाला साथ दे रहा है। लास्ट बारी में सुनो कैंपिंग के लिए गया था, वहाँ पे एक डॉग भाई पीछे पड़ गया 5-6 दिन तक। तो चाय पीने के बाद अभी टेंट के अंदर आ चुके हैं हम लोग। बाहर पे ना काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और अभी क्या करें, काम तो कुछ है नहीं वैसे, थोड़ा लेट जाते हैं। हाँ थकान कल की थकान ना बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, मुझे तो ऐसे नींद आ नहीं रही है। मैं सोच रहा हूँ कुछ यार, मैं ऑफलाइन वीडियोज़ डाउनलोड करके लेके आया था, कुछ देख लूँ मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है कुछ। बाहर बताए अभी कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, पूरा कोहरा ही कोहरा है। कोई गेस करेगा कौन सी वीडियो है? अच्छा
पापा के साथ क्या हुआ? उन्होंने एक कच्चे अंडे को मैड हनी के साथ मिलाकर एक कप में पिया। उठा पा रहे हैं, जब वे मुर्गे की तैयारी कर रहे हैं हम उस चट्टान की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ शहद हार्वेस्ट हो। आज का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक। अच्छा मैं वो देख रहा था हनी हंटर्स वाला ना, जो नेपाल में होता है भाई, तो बड़ा तगड़ा। अगर कोई नेपाल से है तो उनको पता होगा ये चीज़। और एक डॉक्यूमेंट्री आई थी एक, तो भाई क्या मस्त है वो, देख रहा हूँ मैं। तो फिलहाल हम एंजॉय करते हैं चंदू भाई, नींद पूरी हो जाए तब तक। आप थोड़े बहुत बाहर के शॉट देखो, अगर दिख पाता है कुछ तो। दोपहर के 2 बज रहे हैं लगभग। चंदू भाई का तो बिल्कुल वही है भाई, कल की जो थकान थी ना वो पूरी अब वसूल हो गया होगा ना एनर्जी। लेकिन अब लग रही है भूख, और ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास खाने को बहुत कुछ है, लिमिटेड है। वो भी आधा तो हमने कुत्तों को ही दे दिया आज। और हम अंदर ही बैठे बैठे कभी बिस्किट खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, और कुछ ऑप्शन भी नहीं हमारे पास। भाई साहब मतलब बैटरी जा रही है ना खतरनाक, 10-10% लगातार जा रहा है। और पावर बैंक भाई इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो हम ना शूट कर पाएंगे ना कुछ। इसको छुपा देते कहाँ, लेकिन देखते हैं अंदर। क्या गर्म होती, बस अब बारिश भी शुरू हो जाती भाई। तो यार बारिश जैसे शुरू हुई ना, उसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं। तो अभी ना हमारे पास ये चीज़ें हैं, इसको भी पहनना पड़ेगा भाई। ले नहीं यार, ये चाहिए, ये चाहिए। क्या चाहिए? गले में डालने हैं ये, तो मेरे को इम्पोर्टेंट है, शाम को चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है भाई। अभी तो फुल मिला के तेजस भाई फुल प्रिपरेशन के साथ आए थे हम। ख्याल रख, मैं तो नहीं। हाँ तो मैं लेके आया था ना दो दो वही तभी तो। अरे आजा आजा, चल भाई अंदर जा, चल चल भाई अंदर, भीग जाएगा, भीग जाएगा पहले। अरे अरे भाई इसको अंदर नहीं रहना है। बारिश अभी फिर से शुरू हो गई है, और आप देख पा रहे होंगे पीछे ना स्नोफॉल होना भी शुरू हो चुका पहाड़ी के ऊपर। तो अभी हम खाना बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। कल से हमने प्रॉपर कुछ भी नहीं खाया, राजमा है अपने पास तो बॉयल कर लेते हैं पहले। ये ग्रीन वाले राजमा है जो जल्दी पक जाएंगे, पर यार ये हवाएं जीने भी देंगे।
तो आधे घंटे से हम अंदर ही स्टक पड़े हुए हैं टेंट के अंदर ही, बाहर बारिश हो रही है और अभी ना शायद हमारे कैंपिंग को ज्वाइन करने के लिए कोई और आया है। दिखाऊं मैं आपको कौन आया है। भाई कहाँ गया भाई? अरे ये देखो तीन डॉग, एक दो तीन। अरे भाई, और ये तीनों डॉग ना भोटिया ब्रीड के हैं, इनको ना ठंड नहीं लगती भाई, ऐसे ठंड को तो आसानी से झेल लेते हैं ये। अरे 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 नहीं, और पीछे पीछे वाले पहाड़ियों में ना अभी स्नोफॉल होना शुरू हो चुका है। देखो यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे भी स्नोफॉल होना शुरू हो चुका है। वैसे हमारा प्लान था कि हम आज यहाँ पे जाएं, लेकिन जैसा कि हम कल 16 किलोमीटर ट्रैक करके आए थे तो इतनी एनर्जी बच नहीं थी बॉडी में कि हम वहाँ तक जा पाएं। तो देखो यार पीछे स्नोफॉल हो रही है। तो हो चुकी है रात और राजमा अभी तक क्या बॉयल हुए नहीं, क्योंकि ठंड है ना काफ़ी, तो उसका गैस का जो गैस की जो हीट है ना प्रॉपर नहीं हो पा रही है, नहीं लग पा रही है। तो अभी बाहर पे ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं जो सुबह से ही चल रही हैं, और अभी थंडर स्टॉर्म भी शुरू हो रहा है। देखो बस अब बारिश ज़्यादा ना होगी दिक्कत है, हवा चली तो फिर यहाँ पर रहने लायक नहीं होगा। अब जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करते हैं और खाना खा लेते हैं, क्योंकि यार प्रॉपर खाना हमने कितने दिन से नहीं खाया, कल से नहीं खाया। चलो भाई, आधे घंटे पहले बारिश रुकी है और अब भी जाके हमारा चावल रेडी हो चुका है, राजमा बॉयल हो चुके हैं। अब हम करेंगे कटिंग कर लेते हैं, राजमा बनाते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि जितना लेट करेंगे ठंड उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब मौसम शायद थोड़ा क्लियर हो रहा है तो हवाएं चलेंगी। तो कटिंग कर लेते हैं ना चंदू भाई। बस एक चीज़ का बड़ा वो हो रहा है यार कि जो डॉग है ना तीन, वो बाहर पे ऐसे ठंडे में बैठे हैं, उन्हें आदत तो है लेकिन देखा नहीं जाता कि यार हम अंदर बैठे हैं वो बाहर पे। वैसे वो रह लेते हैं, ऐसा अभी नहीं है कि वो नहीं रह नहीं पाते, ऐसे ठंड में वो आसानी से रह सकते हैं। वैसे बारिश बंद होगी तभी सही है भाई, वरना हम अंदर ही अंदर कुकिंग करते तो मज़ा नहीं आता। ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में राजमा चावल खाने का भी अलग ही मज़ा आएगा भाई, और जब आदमी दो दिन से भूखा हो तो फिर तो। पत्ता अंदर ही अटक गया भाई। हाँ। बहुत कुछ अटका था, स्टार फूल हो गया, दालचीनी हो गया, तेज पत्ता हो गया, अदरक का हो गया, ये बड़ी इलायची आ गई। एक बूंद जिंदगी का भी डाल देते हैं। फाइनली टमाटर आ गया इसमें, आज मसाले क्या आ रहे हैं इसमें? आज मसाले आ रहे हैं, ये हो गया किचन किंग, जो कि लाल मिर्च पाउडर, ज्यादा चीज़ें, जीरा पाउडर, लास्ट बच गया कोरिएंडर,
बोले तो मिक्स है ना कोरिएंडर और क्यूमिन दोनों। ये आया भाई, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। सही आ रहा है क्या? अरे कैमरामैन, अच्छा आगे से खुद ही आ रहा है कैमरामैन भाई। अरे कैमरामैन पीछे हट भाई, कैमरामैन उसे एक हिसाब से अच्छा भी लग रहा है कुत्तों के सामने। सेफ, अलग सेफ फील हो रहा है कि हाँ भाई कुछ नहीं होगा। वैसे तो यहाँ पे इतना खतरा है नहीं, वैसे जंगल एरिया है नहीं, फिर भी भाई स्नो लेपर्ड वगैरह भी हो सकते हैं ना आसपास। राजू खाना रेडी है, प्लेट में डालते हैं इससे पहले कि ठंडा हो जाए। ठंडा खा लेते हैं। लगता है आज हमें कम खाना पड़ेगा यार। क्यों? पीछे तीन और इंतजार कर रहे हैं ना ग्रुप में। हाँ हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा ना। शब्द ना होता ना, जल्दी से टूट पड़ते हैं भाई। हाथ देखो कितना मस्त दिख रहा है। चलो भाई शुरू करें। आज कुछ अलग तरीके से खाता हूँ। वाह, गर्मा गर्म खाने का जो मजा है ना, ऐसे ठंडे मौसम में टेम्परेचर में दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 0 डिग्री तो है ही। लगता है आज हमारे लिए कम पड़ने वाला है। तो अभी इनको भी देना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो वैसे तो यार हमारे पास खाना जैसे कि मैंने बताया बहुत ही कम था, बट यार इनको भूखा तो नहीं दे सकते ना। तो एक को कहाँ पे खाएगा भाई, तो थोड़ा बहुत है। ले भाई तो ये था भाई, पता नहीं कुत्ते भी तो तीन तीन आ गए। ले भाई एक और था यार। अरे ले अले ले आजा, कहाँ गया? अले क्या अब आ गया? वो इतना दिख रहा है, पता नहीं यार कहाँ गया, आएगा तो दे देंगे। अरे रुक जा, वो खा ले पहले। ये बहुत चालाक है भाई। यू आर बड़ी चालाक ब्रो, ये खा। वो तो यार शायद चला गया है कहीं अपने आप खाते ही। उसको लग रहा होगा कि यार यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये दो तो कल से खा रहे हैं वैसे हमारे साथ। चलो अभी खाना हो चुका है अपना, अब टेंट के अंदर जाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि भाई साहब ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है भाई। तो गाइस खाना खाते ही अब हम आ चुके हैं टेंट के अंदर। टेंट के अंदर ही थे, अब स्लीपिंग बैग के अंदर आ चुके हैं। तो अभी सो जाएंगे हम लोग। ज़्यादा मॉर्निंग के व्यू तो आपको मिस करने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मॉर्निंग के व्यूज़ जो रहेंगे बहुत ही खतरनाक रहने वाले हैं। साथ ही हम कल इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाएंगे, एक डीप फॉरेस्ट में कैंपिंग करने जाएंगे, और उसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, मॉर्निंग में बात होती है ना, मॉर्निंग में मिलते हैं, तो गुड नाइट। पता नहीं भाई कितनी ठंड लगेगी, नहीं पता कुछ। गुड नाइट।
फाइनली सनराइज हुआ भाई। कल की रात ना इतनी ठंड थी, क्या ही बताएं भाई। जब मैं सुबह उठा ना तो देखा पूरे टेंट में जो पानी था वो आइस बना हुआ है। जैसे धूप आई है तब जाके प्रॉपर टेंट से बाहर निकला हूँ भाई साहब। और रात का टेम्परेचर -1 से 2 डिग्री तक गया होगा। अरे क्या हो गया भाई, कल रात से शरीर इधर उधर नहीं हो पा रहा है भाई। अकड़ गया क्या? बर्फ बन गया, अभी बस धूप आ रही है ना भाई। इनकी बात ही कुछ और है भाई, इतनी ठंड में बाहर पे रह गए, मतलब सरवाइव कर गए ये डॉग्स, मानना पड़ेगा। हमारी तो अंदर ही हालत खराब हो गई, कुत्ते हैं। पर अब धूप आ चुकी है और अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम यहाँ से नीचे को जाएंगे और एक फॉरेस्ट एरिया में कैंपिंग करेंगे। तो सारी पैकिंग हो चुकी है अपनी और हम जा रहे हैं अभी नेक्स्ट कैंपिंग लोकेशन की तरफ। और आज तो मौसम बहुत ही बढ़िया है यार, कल पूरे क्लाउड थे तो वो फील नहीं आ पा रहा था बढ़िया वाला, पर आज अच्छा मौसम है। पर आज हम जा रहे हैं नीचे को क्योंकि यार हमारी एनर्जी इतनी है नहीं कि हम ऊपर जाएँ। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फॉरेस्ट साइड में, नीचे जो आपको फॉरेस्ट दिख रहा होगा यहाँ पर और इसके इस वाले एरिया में, इस साइड को जाएंगे हम कैंपिंग के लिए। ज़्यादा इस वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं यानी इसी सीरीज में मिलेंगे नेक्स्ट। अभी हम देखो जा रहे हैं इस ब्यूटीफुल से लोकेशन से।